में और पॉपुलेशन बनाते हैं कि दो काम करिए राष्ट्र के लिए इन ऑर्डर टू मेक मतलब अवेयरनेस एंड पीपल विल ज्वाइन अस एट लार्ज आई थिंक आई वुड से यू है ना. बिल्कुल ज्वाइन करेंगे, बिल्कुल ज्वाइन कर. देखिए देखिए देखिए, एक तो होता है कि जब आप स्केर्सिटी से अबंडेंस पैदा करने की बात कर रहे हैं और वो भी अपनी औकात पे, तो आपको कौन रोक सकता है, किसकी औकात है आपको रोक. मैं तो कह रहा हूँ किसी की औकात नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी की भी औकात. हाँ, मैं थोड़ा क्या है कि जो यूपी वाले डीजीपी साहब हैं एमएम मोदी जी ना, एक्चुअली उनको मैंने देखा कि वो अच्छे आदमी है, लेकिन मैं देखा ये राधा कृष्ण जी वगैरह बीच बीच में आर्यंस एंड आर्यंस एंड ये सब चीजें उठाते रहते हैं. ऐसे उठाना गलत भी है ना, मेरे ख्याल से ये सच्चाई नहीं है जो वो कह रहे हैं. हिस्टोरियंस हैव रिटन वेरी रॉन्ग आई थिंक. और इस विषय में बहस करना आज के डेट में, मैंने एक दिन चुप कर दिया था उनको. आज नहीं, देखिए जिन हिस्टोरियन ने हिस्ट्री को खराब किया है, हमें उसमें इमोशनल भाषण देने की बजाय कुछ बच्चों को तैयार करना चाहिए अलग अलग उसके ऊपर, और वो रिसर्च करें. देखो भावनाओं को भड़काने से काम नहीं चलेगा. हाँ बिल्कुल, मेरे देखिए मेरे सीधे से बयान है, इफ आई एम टॉकिंग आई एम राइटिंग वेरी क्लियरली. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हिंदुइज्म मींस माय मीनिंग इज वेरी क्लियर. ठीक है, देखिए देखिए, हमारी और आपकी दोनों की क्षमताएं सीमित है, राइट. और इट रिक्वायर्स वेरी सीरियस स्टडी, जिसमें हमें यूके की लाइब्रेरी को खोजना पड़ेगा, ये यूरोपियन लाइब्रेरी को खोजना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें इंडिया से तो विलुप्त कर दी गई हैं, तो यहाँ की लाइब्रेरियों में अपन को बहुत सीमित चीजें मिलेंगी. मतलब ये तो विडंबना की बात है. बताओ ना, इस देश में जो है आपने जो है ना साबरमती के संत कर दिया कमाल, मतलब आपने जिन्होंने जो है ना अपनी 26,000 लोगों ने अपनी अपनी जान दे दी आजाद हिंद फौज की अलग, उनको आपने जो है ना हवा में दिला दिया. और मैं किसी वीडियो में देख रहा था कि सुभाष चंद्र बाबू के बारे में इंडियन गवर्नमेंट ने जो है ना यूके को खबर दी और ये सब हुआ है. यदि ये सब हुआ है, इसको हिस्टोरिकली अपन इमोशन पे ना जाए, यदि ये सही है तो उन लोगों को अपन को आज डीप स्टडी नहीं किया. मेरे पास उदाहरण है, मैंने वेस्ट बंगाल वायलेंस पे क्या बोला, मैंने देखिए पीपल बीजेपी गवर्नमेंट अमित शाह ने क्या काइंडली आपको मालूम है कैसे क्राइसिस मिटिगेशन पे दे वांटेड टू जस्ट एक्सेलरेट हिंदू पीपल एंड पीछे उधर में है ममता बनर्जी ने एक्सेलरेट किया एंड इफ वेयर दिस पीपल विल गो. एक भी अरेस्टिंग नहीं हुई है साहब, बताता हूँ आपको, 1-2% बोला है ना, अरेस्टिंग ही नहीं हुई है. अच्छा ध्रुव नारायण जी, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इस स्वतंत्र देश में सरकारों को स्वतंत्रता करने का अधिकार है. जिस संविधान से उन्होंने सत्ता हासिल की है उस संविधान में लिखे हुए प्रावधानों का वो पालन करेंगे. मेरा ये कहना है कि अच्छी पुलिसिंग देना आपकी मेहरबानी नहीं है, इट इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर Schedule 7, List 2, Entry 2. और यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, यदि आप 80-90% केसेस में जो है ना FIR दर्ज नहीं कर रहे हैं, आपने पुलिस पर पूरा कब्जा कर लिया है, आदमी FIR नहीं लिखा पा रहा है, उसके खिलाफ फर्जी FIR लिखती जा रही है, लोगों को जो है ना फर्जी केसेस में बंद कर दिया जा रहा है, जो एक्ट 2015 छोटे छोटे वायलेंस पे छोटी चीजों पे तो अरेस्टिंग हो रही है. मैं तो उल्टी बात कह रहा हूँ. 2015 में 66A IT एक्ट को नल एंड वॉइड सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया, एंड सुप्रीम कोर्ट के जो प्रोनाउंसमेंट है दे आर हैविंग स्टेटस ऑफ लॉ, इट विल बिकम नल एंड वॉइड द इंस्टेंट इट हैज बीन अनाउंस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, राइट. इसके बाद 1,100 से ज्यादा केसेस जो है ना 66A के तहत कायम हुए, लोग बाग जेल में सड़ गए हैं. ये कैसा कानून है? इज इट नॉट फेवर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी? जो रिस्पॉन्सिबल है उनको सजा दो, सरकारों को गिराओ 356 संविधान की धारा के तहत, बिकॉज संविधान के बनाने वाले तरीका आपको उठाया था, चूंकि वो जो प्रकाश सिंह जी है उनका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ना. देखो आपका जो मैं आपको एक चीज बताऊं, देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, प्रकाश सिंह जी का जो 2006 की बातें हैं और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है फैसला, उससे कुछ देहले भर का फायदा नहीं होने वाला है.
क्यों क्योंकि क्यों क्योंकि उसका रीजन है, प्रॉब्लम जो है नियम कानून की नहीं है, प्रॉब्लम है आदमियों की। आपने मुझे ड्यूजी बनाया, वो 2 साल का टेनोर दिया, लेकिन मैं तो चाटुकार रहूंगा ना डीजी बने रहने के लिए। आप हमारे आप मैंने आप मेरे चरित्र के मैंने साथ क्या करेंगे? नहीं नहीं देखिए, यदि प्रॉब्लम हमारे चरित्र के साथ है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ यदि 2 साल का मुझे टेनवर मिलता है, फिर भी हम दुस्ता से पब्लिक के लिए कुछ नहीं करते हैं, उन्हीं नेताओं की चाटुकारता करते हैं, उन्हीं के पैर चाटते हैं जिससे कि रिटायरमेंट के बाद हमें कुछ मिल जाए, अब आप हमारे इस चरित्र के लिए क्या करेंगे? ये तो प्रॉब्लम हमारे साथ ही हुई ना। माय सेइंग दिस पॉलिटिशियन विल नॉट इंप्लीमेंट द पुलिस रिफॉर्म। आई एम सेइंग कि जिसको आप पुलिस रिफॉर्म कह रहे हैं वो पुलिस रिफॉर्म है ही नहीं। आई एम सेइंग वन स्टेप फर्दर, जो हम क्राइम फ्री भारत में 5% की बात कर रहे हैं वो पुलिस रिफॉर्म है। आई एम सेइंग कि जो प्रकाश सिंह जी ने पुलिस रिफॉर्म सुप्रीम कोर्ट में 10 साल तक लड़ा है वो पुलिस रिफॉर्म है ही नहीं। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। आप मेरी बात से सहमत हैं? पहले बताइए क्या बोले। मैंने कहा कि जो प्रकाश सिंह जी ने 1996 से लेके 2006 तक 10 साल की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ी और 7 पॉइंटर जजमेंट 2006 में आया, उससे पुलिस रिफॉर्म नहीं होने वाला है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट जो है ऐसे लोगों को समितियों में ना रखे जो कि इनके आदेशों की गलतियां निकाल सके। मतलब इसमें एक वॉचडॉग बनाना पड़ेगा, नहीं तो क्योंकि प्रॉब्लम जानते क्या है, अब जैसे मान लो मध्य प्रदेश में इन्होंने क्या किया, पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड बनाया, राइट, और उसमें कुछ एडिशनल डीजीज को रख लिया। उनको मालूम है कि एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड में ये रहते हैं तो इन जगहों पे से चाटुकारों को भेजा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, राइट। जैसे मैं खुद एडिशनल डीजी एडमिनिस्ट्रेशन था, तो इन द कैपेसिटी ऑफ एडिशनल डीजी एडमिनिस्ट्रेशन मैं आई वाज द सेक्रेटरी मेंबर टू द एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड, राइट। अच्छा, आप भी रहे हैं वहां पे? हाँ हाँ, मैं तो बहुत क्रिटिकल पोस्ट पे था, आई वाज एडिशनल डीजी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मध्य प्रदेश। तो हमने उसमें एक व्यवस्था चालू की कि जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग को विचार होता था उनका एक बड़ा सा चार्ट वार्ट बन के उनके पूरे चरित्र को हम और लिखना चालू कर दिए। लोगों को बहुत नागावर गुजर रहा था कि सब क्यों लिख रहे हो भाई। तो हम कह रहे थे भाई जिनके बारे में अपन विचार कर रहे हैं उनका जो है ना फाइल पे तो आए ना कि आप क्यों रिकमेंड कर रहे थे। अच्छा, उसका फायदा बहुत निकला। उसका फायदा ये निकला कि जो लोग जो है ना सीएम ईएम इनके नाम पे झूठा मोटा जो है ना किसी का नाम घपाना चाहते थे, जब ये लिस्ट जो है होम मिनिस्टर के पास पहुंची तो उन्होंने कहा तो खराब है, इसको आप क्यों पर क्यों पोस्ट कर रहे हैं। तो जब उन्होंने ही बदल दिया तो इनकी पोल खुल गई कि वहां तो कोई सीएम नहीं, हमने कुछ कहा ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, आई एम सेइंग यू नाउ। अच्छा, देखो जस्ट ए मिनट, अब इस चीज को बड़े आसानी से किया सकता है। जैसे यूपीएससी पैनल बनाती है ऐसे ही एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड में सीनियर मोस्ट व्यक्ति को रखा जाए, उन लोगों को केवल हटा दिया जिनका चरित्र खराब, ठीक है ना। अब इस पैनल के लोग किसी के दबाव में नहीं आएंगे, राइट। अब जैसे मध्य प्रदेश का जो एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड का आदेश निकला उसमें लिख दिया कि सभी आदेश सरकार के पास जो है वो अनुमोदन के लिए पहुंच जाएंगे, भेज जाएंगे। अरे भाई, सरकार का ही इंटरफेरेंस करने के लिए तो ये बोर्ड बनाया गया, फिर आपसे अनुमोदन के लिए क्यों भेजे जाएंगे? वही इंटरमिक्सिंग करते हैं ना। नहीं, बाय राइटिंग दीज वर्ड्स आपने जो है ना सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जो है ना खराब कर दिया। अब ये सुप्रीम कोर्ट नहीं, ये बात सुप्रीम कोर्ट को कोई बताए ना कि साहब ये गड़बड़ है, सुप्रीम कोर्ट उसको जो है ना नल एंड वॉइड कर देगा 2 मिनट में। बिल्कुल, उसके पास जाए, उसके पास जाएगा कौन, ये वाली बात है ना। जाएगा कौन, आई कैन अंडरस्टैंड यू व्हाट यू आर। सो हम ये कह रहे हैं, देखो अन्ना जी को मूर्ख बना के केजरीवाल जैसे दुष्ट ने इस देश की जनता के साथ बहुत बड़ा दुष्ट बिल्कुल। देखिए, मैं थोड़ा सा इसका विश्लेषण करता हूँ। आप ये बताइए, अरविंद केजरीवाल IITM था, राइट, इसे मैग्सेसे अवार्ड मिला, ये एक जो है ना NGO भी चलाता था। लोगों को ऐसा लगा कि इसकी सोच अच्छी है और वहां पे उस समय जो हालात बन रहे थे ये देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता था,
अरे सुनिए, ऐसा है कि वो सभी मेरी बात सुन लीजिए, लिसन मी एंड व्हाट आई एम सेइंग यू, ठीक है? मैं मान लो लोग नहीं हूँ, ऐसा करिए मैं बता रहा हूँ कि अपने 10-15 लोग जो है ना, 20 लोग है ना, आप प्रकाश सिंह जी से भी बात कर लीजिए, गुड डायरेक्टर। मैं प्रकाश सिंह जी से बिल्कुल बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जो है, देखिए मैं कोयम्बटूर में था और मैंने उनको क्राइम फ्री भारत का पूरा कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की, इस व्यक्ति ने एक बात नहीं सुनी मेरी, पूरी अकल का ठेका इन्होंने ही लेके रखा है। ठीक है, आप एक काम करिए फिर, मैं बता रहा हूँ जो सीएफपी मिशन है, दैट इज माय मिशन, योर मिशन, ओके, बट टेक वन थिंग, ठीक है, ऑन व्हिच पीपल, ठीक है, प्रभु जी मैंने जो है अब दुनिया के बहुत सारे लोगों से बात करना चालू कर दी है, और मेरे वीडियो ऑडियो देख के बहुत सारे लोग मुझे रोज फोन करते हैं और मैं उनसे विस्तार में चर्चा करता हूं और उसे यूट्यूब चैनल पर लोड कर देता हूं। हाँ ठीक है, अच्छा करते हैं। मेरा ये कहना है ना, पॉपुलेशन कंट्रोल पे जो है ना, लोगों को जोड़िए, क्योंकि भयंकर है लोगों के माइंड में बात है, बीजेपी गवर्नमेंट सक्सेसफुल ना, मेनी पीपल्स ज्वाइन विद अस, ठीक है। रही बात है कि अन्ना का, मैं कल कर्नल साहब का भी ले लूंगा, है ना, एक्चुअली वो थोड़े तबीयत खराब थी, रेगुलर चेकअप पे गए हुए थे रिलायंस हॉस्पिटल, है ना। सो मैं अभी थोड़ा घर में हूँ, नासिक में, भाई कार जा रहा हूँ कहीं पे फार्म पे देखने के लिए, है ना। ओ तो जस्ट मैं कल मॉर्निंग निकलूंगा कर्नल साहब के पास, है ना, मैं उनसे ले लूंगा जो भी बोलेंगे, वो मेरे पे इतने विश्वास करते हैं कि उन्होंने बोला भी कि मुझे विश्वास है आप गलत काम नहीं करेंगे, है ना। सो मेरा कहना है कि देखिए इस विषय पे, देखिए मेरा ये कहना है कि अन्ना जी एक बहुत भले इंसान है, उनको सही मंजिल तक ले जाने की जिम्मेवारी हम लोगों की है। Yes, he is very clever. Then he will do anything, then he will join you. Otherwise, you will go back and back. Okay? That's why my prediction was that this moment will be washed. His moment will be washed. I didn't understand Anna. Anna says that why don't people come to Narayan Ji in 2017? I said, how will they come when you will do wrong work? Then you will keep other people. Hello? Now tell me, this person... I think that's why my saying is, come to the point, Vijiti Sahib. ठीक है, माय सेइंग इज कि आप 15-20 लोग, 21 लोग एवरेज लोग ज्वाइन करिए, बैठते हैं, विल एड्रेस टू मीडिया, ठीक है, ये हमारा एजेंडाज है। देखिए मैं इस बात से मैं पूर्णतया सहमत हूँ कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, और इसके साथ ही मुझे ये कह, देखिए मैं पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर जरा अपने विचार रख दूँ। मेरा ये कहना है कि पॉपुलेशन कंट्रोल जो है ना, एक चिट्ठी लिखने से नहीं होने वाला है। हमें जैसे कि हम जैसे मेरी 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 प्रार्थना को आप, अरे प्रभु जी मेरी प्रार्थना सुन लीजिए ना, मैं 2-3 बातें सुनाइए। देखिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये दुष्ट लोग इतने ज्यादा दुष्ट हो गए हैं कि किसान जैसी मजबूत लॉबी जो इनको धूल चटा देगी चुनाव में, उसको भी इग्नोर कर रहे हैं। तो प्रभु नारायण जी, आप एक धूल के कण ही नहीं है इनके सामने। क्या है? नहीं है धूल के कण, एक यू आर नॉट ए पार्टिकल इन फ्रंट ऑफ देम, वो इतनी बड़ी शक्तियां बन गए हैं। देखिए ये बातें कल कहां से बोल रहे हैं, लेकिन आप मेरे जो बोल रहा हूँ विश्वास रखिए, आपको 200% कह रहा हूँ मैं, तो विश्वास रखिए। मैंने मोदी की स्ट्रैटेजी समझ रहे ना, केजरीवाल की स्ट्रैटेजी नहीं थी वो सारी की सारी, ठीक है, उससे लोग भी नहीं थे, मैंने बोला ना आपको, ठीक है, हमारे साथ ज्यादा लोग हैं, 100 लोग हैं, 20 लोग हैं, ठीक है, एंड व्हाट वी कैन डू। सुनिए ये करने के लिए कांत सिंह जी बोले, नारायण जी हिंदुज्म के नाम पे इतनी बड़ी ये गलत काम कर रहे हैं ना, वो अनकेरेबल है, ठीक है, और सही कह रहे हैं। मेरा बोले कि तालिबान को टारगेट कर ये क्या करेंगे कि डंका पीटेंगे और उसके बाद फिर से सरकार बनाएंगे, लेकिन सेम टाइम यू कैन अंडरस्टैंड कि आयर इंडिया का 17,500 से ज्यादा मैंने बताया था ना पेट्रोल पंप है, वो क्या एमएलएस एमपी सबको खरीदेंगे, ठीक है। सो माई सेइंग इज कि जो कह रहे थे जितने एमपी लोग नपुंसक है, कम से कम नारायण जी अपन तो नपुंसक नहीं बने इस युद्ध में, धर्म युद्ध में हम लोग कम से कम खड़े हुए। हेलो, कि हम जो है एक पूरी एडवोकेसी करें, केवल इनको चिट्ठी ना लिखें। देखिए देखिए जस्ट मिनट,
मेरी प्रार्थना सुनिए, मैं बहुत आपसे नम्र स्वभाव से नम्र वचनों में आपसे दो तीन प्रार्थना करना चाहता हूँ. लेट्स नॉट मेक स्टेटमेंट, लेट्स मेक पाथवेज. और जो उन पाथवेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए यदि कुछ एडवोकेसी करना है तो लेट इट बी फुल फ्लेज एंड टू एंड एडवोकेसी, राइट. नंबर थ्री, उसके लिए यदि कोई नियम कानून बनाना है तो उसका ड्राफ्ट, उसका ड्राफ्ट बना के हम प्राइवेट के सभी लोग साइन करेंगे. अकेले साइन नहीं करेंगे, ये प्राइवेट बिल के बतौर पार्लियामेंट में उतारा जाए, ये पूरा धमाका करेंगे. और आप मेरी प्रार्थना सुन लीजिए ना जरा. मैं प्रभु जी ये कह रहा हूँ कि धमाका करने से किसी का भला नहीं हुआ है. हम जो है इसको बाकायदा पूरा एक्ट बनाकर, ड्राफ्ट एक्ट बनाकर, हम इसको जो है प्राइवेट बिल के बतौर पार्लियामेंट में पेश कराएं. उसमें बहस होगी, यदि उसमें बहस होगी तो इनके कपड़े उतरेंगे, ये एक्सपोज होंगे. बात करिए ना, वो करिए हुई है अभी कि लेकिन ये तो पॉपुलेशन वाला तो जो है ना, हमने झंडा आपके हाथ में सौंपा हुआ है ना. नहीं, पॉपुलेशन का ये ड्राफ्टिंग है ना, जो ड्राफ्टिंग जैसे लॉयर्स लोगों ने अभी यूपी का ड्राफ्टिंग बिल बनाया ना, सुनिए मेरी बात. देखिए वो काम है, उसके हम इसमें लॉयर्स भी रहेंगे, एमिनेंट लॉयर्स रहेंगे, ठीक है. आप रहेंगे, मैं रहूंगा, सबल साहब है, खैरनर साहब है, अन्ना का ले ही चुका हूँ सबकी. अच्छा, एक काम करते हैं, इस पे एक ड्राफ्ट लॉ मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है. आप बताइए ना, आपको मैं पांच दिन एक सप्ताह पहले मैंने बोला और मैं कह रहा हूँ आपको. नहीं, हमारी आत्मा, हमारी एनर्जी कहीं दूसरी जगह जा रही है, क्या करूँ मैं प्रभु जी. नहीं, आप दो दिन देखेंगे, आप यूपी पॉपुलेशन अमेंडमेंट ड्राफ्ट, पॉपुलेशन बिल देखेंगे, यूपी गवर्नमेंट का भी ड्राफ्ट किया है. कॉपी मैंने डाउनलोड तो नहीं किया, लेकिन होगा शायद मैंने किया, आप लोगों को शेयर भी किया था मैंने ग्रुप में, है ना. मैं तो कुछ करता ही नहीं. देखो प्रभु जी, एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं, मेरे पास लगभग 1,00,000 लोग जो है ना विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं और मैं एक भी पोस्ट नहीं पाता हूँ. मैं इसलिए क्षमा चाहता हूँ आपसे. यदि आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे 1-to-1 जो है ना, यदि आप बात करके देंगे तो मैं उसे पढ़ूंगा भी, उस पर अध्ययन भी करूंगा, काम भी करूंगा. मैं करता हूँ, जो कह रहा हूँ सीरियस इशू है उस पर कार्य करिए. मैं तो कह रहा हूँ कि हम उसको जो अमेंडमेंट जो बिल है उसको अपने हिसाब से अमेंड करके लेट इट कम अप इन पार्लियामेंट एज ए पार्लियामेंट एज ए प्राइवेट मेंबर बिल. और हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पास हो, कम से कम इनका ओछा चरित्र तो उजागर होगा ना. अरे मैं आपको बिल्कुल है, और पार्लियामेंट में वो लोग उठा देंगे, ठीक है. राज्यसभा में है डिप्टी स्पीकर ना, आपको बिठा ना, वो हरिवंश जी है ना, उनसे टाइम ही मिल जाएगा. राज्यसभा बढ़िया से डिस्कशन का टाइम ले लेंगे उनसे, है ना. सो मेरा कहना है कि वी शुड प्रिपेयर इमीडिएट विद गुड पीपल आई थिंक, है ना. और उसको दीजिए, उसको एक राशि भी लाइए और उसमें हम प्रावधान करें. देखिए ये लोगों के लिए, देखिए ये लोगों के टट्टे थाम रहे हैं वोट के लिए, राइट. तो हमें जो है 10 साल के लिए जो 2 से ज्यादा लोगों को पैदा करेगा उसको वोट देने का अधिकार नहीं होगा. हाँ, चला जाएगा 10 साल के लिए. ये इनके जो जब टाइम आ जाएंगे ना, जमीन का औकात मर जाएगी उस समय. हाँ, क्योंकि नहीं, क्योंकि ये सब धंधे इसलिए कर रहे हैं, ये तो जो है ना वहां से रोहिंगर बुला रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये तो आपका पॉपुलेशन को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं. ये अकेला पॉपुलेशन नहीं बढ़ा रहे हैं, ये आपके डेमोग्राफी को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं. और बिल्कुल, और वो जो डेमोग्राफी और डिस्टॉर्शन है उसके लिए हम इसमें प्रावधान करें. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब यदि कोई रोहिंग्याई और यदा उधर के बांग्लादेशी या कोई भी आए हैं, हम उसे ताल ठोक के कहें कि हम इन्हें वापस करेंगे. मतलब ये करने का है. और देखिए मैं आ रहा हूँ प्रभु जी, मेरी प्रार्थना सुनिए. मैंने कुछ जो है वीडियोस देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, जब वेस्ट बंगाल में चुनाव हो रहा है तो कुछ रोहिंग्याई मुस्लिम जो है अपने पीछे जो है ना बड़ा मोटा सा डंडा लिए हुए हैं और सामने जो है ना सीआरपीएफ की गाड़ी निकल रही है और उनका एग्रेसिव पोस्चर समझ में आ रहा है. क्या इस इंटेंशन के लिए ये अपराध की श्रेणी में आता है कि नहीं आता है?
बिल्कुल अमित शाह को तो मैं लाइक नहीं करता हूँ। यदि ये अपराध की श्रेणी में आता है तो इसमें ऑफेंस रजिस्टर क्यों नहीं हुआ है? क्या थाना प्रभारी को ये दिखाई नहीं दे रहा है तो उसको थाना प्रभारी बने रहने का हक नहीं है? और यदि सरकार को जो ना दिखाई नहीं दे रहा है तो सरकार अपनी सॉवरन रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर रही है। उसे उसे शेड्यूल 7 एंट्री 2 लिस्ट 2 में से जो का जो है ना वायलेशन के लिए कंस्टिट्यूशनल फेलोअर मशीनरी के लिए जिम्मेवार मान के आप कल ममता बनर्जी को गिरा दीजिए। कल से कोई सरकार जो है ना हिम्मत नहीं होगी कि लोगों की FIR दर्ज नहीं होगी। मैं पूरी थाने का लिस्ट देता हूँ जहाँ जब आए हुए वो मैं मंगाता हूँ वेस्ट मंडल से। और उनको नोटिस जारी करें कि आपके संज्ञान में नहीं आया, क्या ये अपराध बनता है कि नहीं बनता है, आपने क्यों कायम नहीं किया है? बिल्कुल सरकार से पूछा जाए कि जब आपके थानेदार ने कायम नहीं किया तो आपने इन्हें सस्पेंड क्यों नहीं किया है? क्या ये आपकी सहमति से हुआ है? क्या आपकी शेड्यूल 7 लिस्ट 2 एंट्री 2 में ये संवैधानिक जिम्मेवारी नहीं है कि अच्छी पुलिसिंग दें? और यदि यदि आप इन तथ्यों से मिली हुई हैं क्योंकि वो आपके वोट बैंक हैं तो क्यों ना आपकी सरकार को आर्टिकल 356 के तहत डिसमिस किया जाए? श्योर क्योंकि आप सत्ता में संविधान के माध्यम से आए हैं और हम उसी संविधान की बात कर रहे हैं। जब तक हम इन क्रूर दुष्ट अपराधी नेताओं को शिक्षों में नहीं भेजेंगे इसी संविधान के तहत, तब तक ये जो है ना संविधान के थीम से प्रवासा नहीं करेंगे। बिल्कुल इसके लिए हेलो आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप थोड़ा सा खड़े हो जाइए, बात तब अच्छे ढंग से हो पाएगी, क्योंकि आप शायद आपकी गाड़ी चल रही है तो आपकी आवाज कट रही है। हेलो आप थोड़ा सा गाड़ी खड़ी कर लें, 2 मिनट बात करेंगे फिर खत्म कर देंगे। क्योंकि आवाज आपकी आवाज बहुत कट रही है। तो प्रभु जी मेरी आपसे बहुत सिंपल सी प्रार्थना है कि हम लोग ठोस कार्रवाई करें, हम फालतू के अपने सेंटीमेंट का इजहार ना करें, हम डॉक्यूमेंटेशन करें। देश की जनता जो है आपके साथ, देश की जनता आपके साथ जुड़ेगी और इन दुष्टों को हम जो है नेस नाबूद कर पाएंगे। वही बात मैंने आपसे कहा था कि एक एक मुद्दे हैं ना, ऐसे इश्यूज हैं 3, समझ रहे ना। एक है पॉपुलेशन वाला पे मैं कर दिया स्टार्ट, मैंने पुलिस वाली जिम्मेवारी आपको दी थी एंड आगे फिर मैं तो क्राइम फ्री भारत चला रहा हूँ। हाँ ठीक है, वो और मैं तो 5 अटॉर्निज के बाद बात कर रहा हूँ, हम तो कई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सरकार के प्लेजर डॉक्टरेशन पे काम नहीं चलेगा। हम उसको इसकी मत पकाइए बाहर में, मेरा कहना उसको नहीं पकाना है। डंके की चोट पे कहेंगे कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम अच्छी पुलिसिंग ना दो, अदरवाइज तुम्हारी सरकारें गिर जाएंगी। इन दुष्टों से इस भाषा में बात करना ही पड़ेगी, क्योंकि 42% उनमें से क्रिमिनल्स हैं और अगली बार आपके 50% को भी क्रॉस कर जाएंगे। तब जो है आप डेमोक्रेसी तो छोड़िए, पॉलिटिक्रेसी तो छोड़िए, आप क्रिमिनोक्रेसी में प्रवेश कर जाएंगे। इट विल बिकम गवर्नमेंट ऑफ द क्रिमिनल्स बाय द क्रिमिनल्स फॉर द क्रिमिनल्स। ठीक है प्रणाम। तो आप इस बात से सहमत है कि नहीं है? मैं बिल्कुल हूँ, जनसंख्या नियंत्रण वाले विषय पे ना मैं आपका समर्थन करता हूँ। समर्थन नहीं, एक ड्राफ्ट जो है ना, फाइनल ड्राफ्ट जो है, आप मुझे बिल भेज दीजिए, मैं उसका जो है ना एक ड्राफ्ट बिल बना के उसको एज ए प्राइवेट बिल जो है ना पार्लियामेंट में पेश कराया जाए। ठीक है, हमसे कम चरित्र के नेताओं का सही वो तो वो हो। और हम तो ये कह रहे हैं कि अपन जो ये 3 जो किसान बिल हैं इसमें प्राइवेट बिल के तहत अमेंडमेंट पेश करो ना। नहीं नहीं ठीक है बिल्कुल है। और देखिए क्या है, देखिए हमें जो है बात तो जो है पार्लियामेंट में ले जाना पड़ेगी, क्योंकि डेमोक्रेसी है, कंस्टिट्यूशन है। बहुत छोटी सी बात है, मैं करवा दूंगा। अभी जो आप अनुपम को डाला है आपने ना, ठीक है, अनुपम पांडे के पापा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होके उठाए इस विषय को लेके, इसलिए मोदी ने अपने चक्कर में बुला के बोला कि आपको ही ऑफर ये क्या। मैं आपको ये बताऊं, देखिए मैंने यहाँ मध्य प्रदेश में देखा है जो भी MLA जो है बहुत खरी खरी बात करने लग जाता है, उसे स्पीकर अपने चैम्बर में बुला के बोलता है भैया क्या चाहिए तुझे। बस ये समझ गए ना, आपको तो मालूम ही है, आप तो डरे। मैंने सबको नंगा चरित्र देखा है, आई नो एक इस तले के चट्टे बट्टे हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग वेरी क्लियरली, दिस इज माय नेशन
And ठीक है, we have to look properly this nation इसमें केवल हम इतना ही ना करें। देखिए हमारा कहना है कि ये लोग जो है इसलिए ये चोर लोग सत्ता काबिज कर पा रहे हैं क्योंकि ये हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं, हमें हमें फ्री भी बांट रहे हैं, हमें जो है ना दारू बांट रहे हैं, हमें पैसे बांट रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। गुंडागर्दी तो छोड़िए, आप हमारा मजाक भी बना रहे हैं। हाँ ठीक है, वो उसको करते हैं अपन, है ना। ये लास्ट मेरे आपसे निवेदन है और इसको करिए प्लीज, ठीक है। उसके बाद जो आप फार्मासिस्ट हुए, कैन यू करियो मेडिसिन 18 रुपए 22 रुपए मिल के जाता है, ठीक है। एक पानी बोतल की कीमत है वो, आप चिंता मत करो, ये सोने के भाव में बिकेगा और इंडिया में भी बिकेगा। इंडिया में तो दुगने भाव पे बिकेगा और इंडिया के बाहर ये 10 गुने भाव पे जाएगा क्योंकि ये अमृत होगा। बीजेपी साहब ये बताइए, पॉपुलेशन स्टेबिलाईजेशन बिल पे आप साइन करेंगे, आपके कितने लोग? मैं जोर से साइन करूंगा जी, जोर से साइन करूंगा, पूरी सामर्थ्य के साथ साइन करूंगा। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं ना कि वो कुछ देख लेता हूँ, बात करता हूँ सुप्रीम कोर्ट में, लॉयर फ्रेंड्स लोग बुलाए थे अभी ये सप्ताह है ना, मैं करके जाऊंगा, देखता हूँ कुछ जजेस वगैरह भी एमिनेंट होंगे ना तो उनसे भी करवाता हूँ और कैनल साहब से भी कराता हूँ, ठीक है। साइन के अलावा जो है हमें सभी तरीके की स्ट्रेटेजी को सामने लाना चाहिए, करना होगा ना पहले, सुनिए कैसे होता है ये काम। आप तो पहले ये एमिनेंट लोगों के व्यूज ले लिया मैंने, उस अन्ना को भी ले लिया, लेटर आपने देख लिया, एंड अब क्या है एक ड्राफ्टिंग देना है, उसमें ये सारे अटैच कर देने हैं, ठीक है, करके हाउस में दे देना है किसी एमिनेंट पार्लियामेंट्रियन को उठाने के लिए, ठीक है। मैं उनको राज्यसभा में तो समय दिला दूंगा जितने भी टाइम चाहिए, है ना, इतना मैं कर सकता हूँ। देखो तो मेरा उठाना एक छोटी सी बात है, हम तो कह रहे हैं कि जो बिल अपन समझ रहे हैं आवश्यक है उसे प्राइवेट बिल के रूप में पूरी तरह से ड्राफ्ट करके, कह रहा हूँ ना इतने ही लिमिटेशंस नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए पूरे देश में कैंपेन चलाने का, एक मुद्दा सफल हो जाएगा ना तो लोग फॉलो करेंगे, समझ रहे ना। और लोकपाल में अन्ना की ड्राफ्टिंग, अन्ना को तो अपनी पढ़ने का है नहीं, अंग्रेजी तो जानते नहीं अन्ना, ठीक है, उनको केजरीवाल ने बेवकूफ बनाया था, उस ड्राफ्टिंग में थोड़ी भी दम नहीं लोकपाल का। अभी कल उन्होंने पत्र लिखा मेरे सामने ना परसों, यहाँ लोकपाल लोकायुक्त अपॉइंट करने के लिए महाराष्ट्र शासन में, नहीं लेकिन मेरा ये कहना है कि इतने जो ना शोक उसके साथ जो है लोकपाल बिल लाए थे, आपके जनता के 1% लोगों को क्या 0.01% लोगों को भी लोकपाल का नाम नहीं मालूम है, लोकपाल का नाम ड्राफ्टिंग है कुछ अभी हम आपसे पूछ रहे थे, ये भी कह रहा है किसे भी नहीं मालूम है। अरे अभी नहीं मालूम है बच्चों को, वो तो अन्ना लोग थोड़े समझ गए, जन लोकपाल किया जो ऐसा लोकपाल क्यों बिठाया जिसका नाम भी लोगों को नहीं मालूम पड़ पाया। आपको जनसंख्या नियंत्रण पे साइन करना, और कौन साइन करेंगे आपकी तरफ से, कौन है डीजीपी जो आपके रिलायबल लोग है जो इसको? अरे सब लोग साइन करेंगे, आप तो चिंता मत करिए, ठीक है, कम से कम 10 IPS ऑफिसर से साइन करें, 10 क्या 50 से करा देंगे आप, काहे को चिंता करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, ठीक है, राइट नाउ आई कैन विद समवन जस्ट टू सी ए फार जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद जय भारत।